हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ भरवा करेले की एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बना रही हूँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले करेले को वॉश करना है और इसको इस तरह से दोनों साइड से इसको कट कर लेना है। इसके बाद मैं इसके 3 पीसेस कर रही हूँ। अगर छोटा करेला है तो आप 2 पीस कर लें और बड़ा करेला है तो आप इस तरह से 3 पीस कर लें। और इस तरह से कट करने के बाद हम हर पीस को इस तरह से बीच में से कट करेंगे। इस तरह से कट करके हम सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। तो मैं सब पीसेस में इस तरह से कट लगा रही हूँ और इनको मैं रेडी कर लूँगी। इसी तरह से मुझे बाकी के करेले रेडी करने हैं, तो बाकी के करेले भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने सारे करेले रेडी कर लिए हैं, बीच में कट भी लगा लिया है। ये देखिए, सब करेले में मैंने बीच में कट लगा रखा है। अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए हमने पानी लेना है एक पैन में, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। और इसके बाद हम इसमें करेले ऐड करेंगे। जितने करेले हमने बनाए हैं, पीसेस तैयार किए हैं, वो सब इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। इसे करेले का कड़वापन निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसको रखना है। तो ये बर्तन थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसको बदल के बड़े बर्तन में बॉईल करूँगी। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और उसी के अंदर मैं इसे बॉईल करूँगी। तो ये मैंने प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे 10 मिनट बॉईल करने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। और अच्छी तरह से इसको एक छलनी के ऊपर रखेंगे और सारा पानी निकलने के बाद हम इसके बीज जो हैं उनको एक स्पून की हेल्प से बीज को निकाल लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से निकालना है। एक स्पून ले लें और उसकी हेल्प से आप बीज इस तरह से निकाल लें। तो ये देखिए, इस तरह से स्पून से आपको बीज को निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से बीज निकल जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से सारे करेले के बीज हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे करेलों से बीज निकाल लिए हैं और इसको अब मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। इसका जो पानी है उसको हटा देंगे और इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल के हम पीस लेंगे। ये जो पानी आपको दिख रहा है इसको हटा देंगे, इसे निकाल देंगे और इसमें एक्स्ट्रा 1-2 चम्मच पानी अलग से डालेंगे और इसे पीस लेंगे। मैंने यहाँ पर प्याज का पेस्ट बना लिया है। 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको पीस लिया है। इसके अलावा मैंने टमाटो प्यूरी बना ली है। 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, उनको पीस लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1/2 चम्मच। और ये हमने करेले के बीज को पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले पैन में हम ले रहे हैं थोड़ा सा ऑयल। 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे। सरसों का ऑयल है तो गरम करना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के जीरा ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर के सौंफ ऐड करेंगे और पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे, ये हींग है। तो अब इसमें ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। जीरा और जो सौंफ है ब्राउन होने लगेगी। उसके बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। जो 2 मीडियम साइज़ का पेस्ट हमने बना के तैयार किया है वो ऐड करेंगे। जीरा और सौंफ ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज का पेस्ट जब ऐड करेंगे तो इसको हम ढक्कन से थोड़ा सा कवर कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे आपके ऊपर छींटे नहीं आएंगे मसाले के। तो ये देखिए, इसको मिक्स कर लेते हैं और इस प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे अदरक और लहसुन का कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा। अदरक और लहसुन भी भुन चुके हैं। अब इसमें हम 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे
और इस टमाटर की प्यूरी को भी अच्छे से भूनना है। उससे पहले हम इसमें थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, एक छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से मिक्स करेंगे और इन मसालों के साथ टमाटर की प्यूरी को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे हमारे मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे और टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से भुन जाएगी। तो इस मसाले को हमें बिल्कुल अच्छे से भून लेना है, रेडी करना है इस मसाले को। इसको तकरीबन 4-5 मिनट लग जाएंगे भुनने में, तो अच्छे से इसको आपको भूनना है। मैं कवर करके रख देती हूँ लो फ्लेम पे, तो मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया है कवर करके। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। उससे पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो हमने करेले के बीज पीस के रखे थे, वो यहाँ पर ऐड करेंगे और इनको भी अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करके भून लेंगे। तो हम इसे 1 मिनट के लिए और भून रहे हैं। मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और अब इसमें हम 1 चम्मच अमचूर का पाउडर ऐड करेंगे, ड्राई मैंगो पाउडर। इससे हमारे करेलों में खटास आएगी। अगर आपके पास ड्राई मैंगो पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे आम भी का सीज़न हो तो आम भी काट के डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं 1/2 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है भुन के, अच्छे से ये पैन छोड़ने लगा है। इस तरह का मसाला जब आपका हो जाएगा तब आप फ्लेम को ऑफ़ कर लें और मसाले को हल्का सा ठंडा कर लें। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ। मसाले को मैंने 1/2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, हल्का सा ठंडा हुआ है। अब इसको हम करेलों के अंदर स्टफ़ कर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो करेले के अंदर इसे एक एक चम्मच से इस तरह से भरते जाएंगे, स्पून की हेल्प से भरना है आपको, इस तरह से स्टफ़ कर लेंगे। तो ये हमारे करेले भरवा बन गए हैं, इस तरह से इसको भर लेंगे। जितना मसाला आप भरना चाहें उतना आप अपने हिसाब से भर लें। मैं यहाँ पे एक एक चम्मच मसाला सारे करेलों के अंदर भर रही हूँ। तो इनको हम इस तरह से भर के रेडी कर लेंगे। तो मैंने एक एक करके सारे करेले भर लिए हैं, ये देखिए थोड़ा सा हमारा मसाला भी बच गया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़े से ऑयल में भी इसको अच्छी तरह से पकाया जा सकता है, फ्राई किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी सौंफ ऐड करूँगी, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी करना है। और उसके बाद हम इसमें सारे करेले ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसको फ्राई करके रेडी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं डाल दूंगी और कुछ सेकंड्स के लिए, तकरीबन 40 सेकंड के लिए मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी और उसके बाद इसको हम चलाएंगे स्पून से। चलाते हुए इसे अच्छी तरह से आपको भून लेना है, जिससे इसके अंदर जो मॉइस्चर था वो बिल्कुल इसका ड्राई हो जाए और जब आप करेले खाएं तो आपके करेले आपको बिल्कुल अच्छे से पके हुए और बिल्कुल भी कड़वे ना लगे। तो अच्छे से इसको आपको फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने में तकरीबन 3-4 मिनट का टाइम आपको देना होगा, लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई करते जाएं। दो तीन मिनट पकाने के बाद इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो भी ऐड कर देंगे और उसके साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। चलाते हुए आपको पकाना है इसे लो फ्लेम पे, जब तक बिल्कुल इसका मॉइस्चर ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपको इसे पकाना है, तभी आपके करेले खाने में अच्छे लगेंगे। अदरवाइज़ आप इसे डीप फ्राई कर लें थोड़ा थोड़ा करके, तब भी आपके करेले बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। तो बस इसको हमने कवर करके थोड़ी देर पका लिया है, 2 मिनट के लिए और पकाया है मैंने। और ये हमारे करेले बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए।
तो इसी तरह से आप भी करेले एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छे बनते हैं, कम टाइम में बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे हमारे करेले बने हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे हमारे स्टफ़ करेले, भरवा करेले बन के रेडी हुए हैं एक नए स्टाइल में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।